Hello friends, my name is Amit Singh. This is my 9th tutorial for engineering drawing and मैं आपको engineering drawing के ही एक part public health engineering drawing में manhole या brick masonry manhole के बारे में बताऊंगा कि आपने इसको Hello friends, ये है brick masonry manhole. इसमें भी scale है one ratio 200 का. बहुत बड़ा diagram है और इसमें भी सारे dimension mm में है. अब इसमें है सबसे बड़ा जो सर्कल है उसका डाया है 1700 mm, उससे जो छोटा सर्कल है उसका डाया है 1400 mm, और उससे भी एक छोटा डाया सर्कल है जिसका डाया है 500 mm. ये कवर है मैन होल का. तो स्टार्ट करें दोस्तों, कैसे बनाना है इसे. ये है उसका प्लान, ये है एलिवेशन और ये है सेक्शन. तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसको शीट में बनाना कैसे है. ये है शीट, इसमें आपको यहाँ पे प्लान बनाना है, यहाँ पे बनाना है एलिवेशन और यहाँ पे बनाना है इसका सेक्शन. तो प्लान बनेगा सबसे ऊपर यहाँ पे. सबसे पहले प्लान के लिए आपने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देनी है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी. यह है वर्टिकल सेंटर लाइन, यह है हॉरिजॉन्टल, यह है हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, यह है वर्टिकल सेंटर लाइन. अब इस पर आपने जो पहला सर्कल बनाना है उसका डाया है 1700 mm, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 850. लेकिन इसको अगर आप 200 के, हम बना रहे हैं 200 के स्केल में, तो 1700 को 200 से डिवाइड करने पर 850. 850 का हाफ कितना होता है, 4.25. तो इसका रेडियस कितना होगा, 4.25. तो 4.25 का हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ये ड्रॉ कर दिया हमने सर्कल. अब 1700 के डाय का सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हम 1400 के डाय का सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो 1400 का रेडियस होगा 700, 700 का भी आप स्केल लेंगे और उसका भी एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. ये वाला सर्कल 1700 का डाया है इसका, इसके वाले का 1400 डाया है. उसके बाद इस पे होगा प्लास्टर, तो यहाँ से 2 mm अंदर को और एक और सर्कल अंदर को, यहाँ इस पॉइंट से 2 mm, 6 mm उसकी स्टैंडर्ड थिक है स्केल में, लगभग लगभग 2 mm अंदर को और एक और सर्कल ड्रॉ कर देना है. यह है प्लास्टर, यह है प्लास्टर, तो इस पे डॉटेड आ जाएगा. ये प्लास्टर है, सीमेंट है इस पे, सीमेंट सैंड. ये प्लास्टर हो गया और यह है ब्रिक मैन होल का बाहर का ब्रिक कवर. यहाँ पे ब्रिक लग जाएंगे, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल के झुकेंगे ब्रिक ऐसे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन. ब्रिक लगाने के बाद अब इस पे हम सॉइल पाइप फिट करेंगे. तो सॉइल पाइप की जो टोटल डाया है उसका वो है 300 mm. तो 300 स्केल में कितना आएगा, 1.5. 1.5 का हाफ, मतलब 300 का हाफ ऊपर और हाफ नीचे, और सीधे ये लगा दिया हमने सॉइल पाइप. थिकनेस इसकी कितनी भी लंबी हो सकती है सॉइल पाइप की. सॉइल पाइप लगाने के बाद यहाँ पे अब हम यहाँ से और इसका एक सेंटर पॉइंट लेंगे मैन होल का, जो हम इस हमें इसका कवर है जिसका लास्ट था, तो जिसका डाया था 500 mm, वो वाला हमने अब सर्कल बनाना है. तो इसका और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सेंटर पॉइंट मार किया. सेंटर पॉइंट के बाद हमने 500 का रेडियस लिया और यहाँ से 500 का रेडियस लेते हुए एक डॉटेड में एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. इसका डाया है 500. ड्रॉ करने के बाद इसके बाद हम इस पर अब एस एस शाफ्ट बनाएंगे. तो यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से 45 डिग्री के एंगल पे डॉटेड लाइन मार देंगे. इस सेंटर पॉइंट से सेम इधर को भी 45 डिग्री के एंगल पे डॉटेड लाइन मार देंगे. अब जो एस एस शाफ्ट होता है वो ऐसा होता है, तो उसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ होती है वो होती है 150, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 300. तो सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर 150 का हाफ इधर एक पॉइंट मार करना है, इस पॉइंट से 150 का हाफ इधर एक पॉइंट मार करना है, और 300 नीचे और इसको मिला देना है. सेम यहाँ पर भी 150 का हाफ इधर एक पॉइंट मार करना है, 150 का हाफ इधर एक पॉइंट मार करना है, फिर 300 नीचे और इसे मिला देना है. उसके बाद इसके हम 2 mm अंदर को भी इसे सेम ऐसे ही बना देना है. यहाँ से भी 2 mm अंदर ऐसे. ये बन गया एस एस शाफ्ट. इसके बाद इसके बाहर से अब सीमेंट कंक्रीट की
बेडिंग आएगी, तो उसके लिए अपने यहाँ से इस पॉइंट से 1.25 ऊपर एक पॉइंट मार करना है, सेम इस पॉइंट से भी 1.25 इधर, 1.25 सेंटीमीटर है वो, 125 mm नीचे, इस स्केल में आएगा लगभग लगभग 5 mm, यहाँ से भी 1.25 इधर, इस पॉइंट से भी 1.25 इधर, और सीधे ऐसे, यहाँ से भी इस पे लगेगा सीमेंट कंक्रीट। ये बन गया इसका प्लान। अब बनाते हैं इसका एलिवेशन। दोस्तों इस ब्रिक मैसनरी मैन होल में इसका जो प्लान है, प्लान का जो एलिवेशन बनता है वो इसके प्रोजेक्शन से नहीं बनता है, क्योंकि इसका प्लान होता है सर्कुलर और इसका एलिवेशन होता है रेक्टेंगुलर, इसलिए इसके प्रोजेक्शन से इसका एलिवेशन नहीं बनता है। एलिवेशन बनाने के लिए अब हम सेक्शन काटेंगे। पहले ये है, ये एलिवेशन के सेक्शन है, इसे नाम दे सकते हैं हम ए बी, और ये सेक्शन है जो साइड में बनेगा, इसको दे सकते हैं हम ए डैश बी डैश। यह है सेंटर लाइन। अब जो एलिवेशन की जो टोटल विड्थ होती है जो वो होती है 11, तो 11 का हाफ इधर, यहाँ से भी कितनी भी डिस्टेंस नीचे, 11 का एक पॉइंट मार्क कर लिया हमने, कितनी भी डिस्टेंस नीचे 11 का हाफ इधर, 11 का हाफ इधर, और इसे मिला दिया, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 11 मतलब 1100 mm, और 100 mm नीचे, 100 mm नीचे, और इसको मिला दिया। ये है ये भी है 100। उसके बाद इस पे लगेगा मैन होल का कवर, तो 500 का आधा इधर, 500 का आधा इधर, इसके सेंटर में लाइन पे, इस पर आप डिजाइनिंग भी कर सकते हो कुछ भी। उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से बिल्कुल टॉप से 1000 नीचे, और यहाँ इस पॉइंट से 300 नीचे, 300 से 200 से 300 ले सकते हैं, लेकिन 300 ले रहे हैं हम, 300 नीचे, यहाँ से 200 इधर, वॉल है ब्रिक मेसनरी वॉल, 200 इधर, और फिर 300 नीचे, सेम दैट यहाँ पर भी 200 इधर, और इसको इस पॉइंट से इसी के बराबर 1000 नीचे। इसके बाद इस पॉइंट से प्रोजेक्शन आगे ले जाओ बिल्कुल डॉटेड सीधे, और यहाँ से 1.2 इधर एक पॉइंट मार कर देना है, इस पॉइंट से 1.2 मतलब 1200 mm इधर एक पॉइंट मार कर देना है, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देना है, इस वाले पॉइंट को जस्ट इधर इधर टच कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से 100 mm इधर, यहाँ से इस पॉइंट से 100 mm इधर, और यहाँ से 1100 नीचे, सेम ये भी 1100 नीचे, ये वाला पॉइंट भी 1100 नीचे, और ये वाला पॉइंट भी 1100 नीचे, और इस वाले पॉइंट को कितना भी बाहर, इस वाले पॉइंट को कितना भी बाहर, और यहाँ से 300 नीचे, ये सॉइल पाइप है, ये भी सॉइल पाइप है, और अब इस पे लगेगी बेंचिंग। तो यहाँ 100 की होती है, यहाँ से 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, 5 mm नीचे, यहाँ से इस पॉइंट से 5 mm ऊपर, इस पॉइंट से 5 mm ऊपर, और इसे मिला दो, सेम इस पॉइंट से 5 mm नीचे, इसे मिला दो, और उसके बाद यह है ब्रिक वॉल, ये आ रही है इस और इस वाले, जो ये वाला ब्रिक वॉल थी, इसका एक सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ पे, यहाँ से, और इस वाले ब्रिक वॉल का हाफ उधर, ऐसे मिला देना है, ये यहाँ से 5 mm ऊपर, इस पॉइंट से 5 mm ऊपर। इतना करने का इस पे अब बेडिंग लगेगी, तो बेडिंग इस पॉइंट से 100 नीचे, इस पॉइंट से 100 नीचे, इसे अभी डॉटेड कर दो बेडिंग को डॉटेड, और अब आएगा नीचे, सबसे नीचे फाउंडेशन, तो फाउंडेशन इस एंड का यहाँ पे, यहाँ से 200 नीचे,
यहाँ से भी 200 नीचे और इसे मिला देना है, बिल्कुल इसके बराबर जितना यहाँ से लेके यहाँ तक है उतना सेम। और इस बैटिंग वाले पॉइंट से 5 mm ऊपर, 5 mm ऊपर, और इसे मिला देना है ये वाला, और बैटिंग वाले पॉइंट को बाहर से, अंदर नहीं मिलाना है उसको, बाहर से कितना भी लंबा हो सकता है। यह है सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन है, ये भी सीमेंट कंक्रीट की फाउंडेशन है, बेडिंग है सॉरी। यह है सॉइल पाइप जिसका डाया था 300 mm। ये ब्रिक वॉल है, यह स्लैब सीमेंट कंक्रीट होगा इस पे, ये जस्ट इसी के नीचे है दोस्त। अब इस पार्ट पे भी प्लास्टर 6 mm का, इस स्केल में 2 mm आएगा लगभग। सेम इस पर भी, इस पर भी ये प्लास्टर। प्लास्टर करने के बाद उसके बाद यह है ऐसे शाफ्ट, इसके प्रोजेक्शन आएंगे नीचे, तो इस पॉइंट से 300 नीचे एक पॉइंट मारा, यहाँ से 300 नीचे और 150 आगे, 2 mm नीचे फिर पीछे, यहाँ से फिर 300 नीचे, 150 आगे, 2 mm नीचे फिर पीछे, 300 नीचे, 150 आगे, 2 mm नीचे, फिर यहाँ से भी 300 नीचे, 150 आगे, इसकी यहाँ से यहाँ तक है 150, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक डेप्थ है वो है 300, रेट 2 mm है। ये था इसका प्लान, ये था इसका एलिवेशन। अब बनेगा फ्रेंड्स इसका सेक्शन। सेक्शन में भी कुछ नहीं है, स्लैब बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। यह है स्लैब, बीच में मैन होल का कवर था, सेम ऐसा जैसा ये है, सेम ऐसा ही यहाँ पे बनेगा। उसके बाद 300 नीचे, अब इस पॉइंट से भी, यहाँ से भी 300 नीचे, यहाँ से भी 300 नीचे, 200 इधर, 300 नीचे, 200 इधर, 300 नीचे। इतना करने के बाद अब आपने जो ये वाला पॉइंट था, यहाँ से इस वाले पॉइंट से 1000 नीचे ये पॉइंट आया, अंदर वाला डाया कितना था, 1400 का डाया था उस सर्कल का, तो 1400 का हाफ इधर एक पॉइंट मार देना, 1400 का हाफ इधर एक पॉइंट मार देना, और इसको इससे मिला टच कर देना है, सेम इसको भी आगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच कर देना है, जो ये 1400 वाला पॉइंट था यहाँ पे, इसको आगे, और इस वाले पॉइंट को फाउंडेशन कितना है ये है, तो इसको जस्ट बिल्कुल इस पे टच कर देना है, फाउंडेशन वाले पे, इसको भी फाउंडेशन वाले पे टच कर देना है, और इसको मिला दो। यह है फाउंडेशन सीमेंट कंक्रीट की, यह है ब्रिक वॉल, यह है स्लैब। उसके बाद इस पे जो पाइप लगेगा सीवर पाइप, उसका जो डाया हुआ है 1 cm था, 1 cm का डाया है उस पाइप का। और यह है बेंचिंग, बेंचिंग का जो यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्शन बेंचिंग का, इसका हमने स्लोप लेना है, तो 1:6 का स्लोप है इसमें, तो 1:6 के स्लोप में आपने इसको स्लोप ले करके यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है उसको। ये तो सीमेंट। उसके बाद इसे ब्रिक लगाने, तो यहाँ से 1 cm बाहर को, और इस वाले पॉइंट से 1 cm बाहर, और कंपास रखना है ऐसे में, और बिल्कुल इसका ये बन गई ब्रिक वॉल, इस पर ब्रेक लगा देने। उसके बाद इस पे भी अब ऐसे शार्प लगेगी, तो ऐसे शार्प कैसे लगी, ये है सेंटर पॉइंट, यहाँ से 150 इधर, 2 mm नीचे, यहाँ से फिर 300 नीचे, 150 इधर, 2 mm नीचे, इसका यहाँ पे 150 इधर, 2 mm नीचे, 150 इधर, 2 mm नीचे, ये लग गई ऐसे शार्प। तो ये है इसका सेक्शन फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें भी, इस डायग्राम में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और डायमेंशन आप चित्र यहाँ देख सकते हैं, शीट जो मैंने उसको फोटो आगे से दी हुई है, यहाँ से चेक कर सकते हैं हम। आप अगर कुछ भी आपको इस डायग्राम में प्रॉब्लम आ रखी है, विद डायमेंशन है यहाँ पे हर चीज़,